तो गाइस, जैसे कि आप सबको मैंने बताया, जब हम सो गए थे तो सोने से पहले क्या हुआ, तशु को हम लोग क्या है ना, मीशो में कुछ देख रहे थे। तो देखते देखते क्या हुआ, तशु को एक चीज़ पसंद आई तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। तो माई ऑर्डर में जाती हूँ। तो ये मैंने, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पर भैया, हमारा जो हाल हुआ ना रात भर 1 बजे के बाद, मैं बता भी नहीं सकती। तशु की बहुत तबीयत खराब हुई। हेलो बोल दो। उल्टी गुड आई, मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड एक तो मॉर्निंग। क्या है ना, तशु हर कैसे क्या क्रीम रोल, थोड़ी देर के बाद दही, थोड़ी देर के बाद क्या क्या चाहिए इसको खाने के लिए, मिक्स मिक्स, फिर बनाना गया। तो सारी रात फिर क्या है ना, तशु की बहुत ज्यादा तबीयत, फिर चॉकलेट, मिक्स 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 हो गया। तो तशु की तबीयत खराब हुई और सारी रात सोने नहीं दिया। सारे कपड़े गंदे, रात को कपड़े वगैरह चेंज करने पड़े, तो उसकी वजह से रात भर सोए नहीं। अगर स्कूल होता ना भाई, तो बहुत टफ हो जाना था। अब भी हम सो के उठ रहे हैं, अभी तक के लिए तशु स्कूल चल जाती है, और अभी भी मेरे को मजबूरी में उठना पड़ा। मेरे को तो नींद ही आ रही है और भी, क्योंकि तशु रेडी चले गए हैं सराहन। मतलब आपको जैसे कि पता है कि टूर्नामेंट लगे हैं क्रिकेट के, तो वो तो चले जाते हैं सुबह आजकल जल्दी, 7:30 बजे। तो उन्होंने लिल्ली को भी छोड़ा बाहर, तो लिल्ली भाग गई थी, है ना बेबी, भाग गई थी। तो मैंने अभी लिल्ली को लाया और उस वजह से मैं उठ गई नहीं, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और तशु बीमार है, और आज जो मौसम है बिल्कुल साफ है और बिल्कुल क्लियर मौसम है आज। तो अब उठ जाती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको, कितना क्लियर है, धूप भी आ गई है, और कर लेती हूँ थोड़ा बहुत काम, तो निकलते हैं अब बाहर। तो इस काम में मैं थोड़ा बिजी सी हो गई थी। लिल्ली को खाना दिया, बहुत सारा काम किया, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाना भूल गई थी कि आज मौसम बिल्कुल साफ है, मतलब बिल्कुल क्लियर। ये देखो, बिल्कुल क्लियर मौसम है आज, धूप खूब अच्छी तरह से लगी है। तो अभी मैं आपको अंदर ले जाती हूँ, कुछ एक चीज़ दिखानी है मुझे आप सबको। टॉर्च ऑन कर लेती हूँ। तो मेरा जो भी है, जो मैंने आप सबको कुछ दिखाना था, वो इसके पीछे है और बिल्कुल कवर करके रखा होता है मैंने। जो भी है वो है मेरा ये सीक्रेट सा, मतलब ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर रखा हुआ तांबे का लोटा, मतलब तांबे का बर्तन, और इसमें पानी मैंने रात का भर के रखा होता है। तो क्या करती हूँ मैं, सुबह जैसे ही उठती हूँ ना, तो उठने के बाद मैं इसी बर्तन का पानी पीती हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आपको शायद कैमरे में बड़ा दिख रहा है, पर ये छोटा सा है, देख सकते हैं आप। 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें आता है, तो मैं इतना ही पीती हूँ सुबह। इसको बिल्कुल मतलब रिलैक्स होके बैठ के, और इसको क्या है ना, मैं घूट घूट करके पीती हूँ सुबह सुबह। और मेरी ना ये एक आदत सी बन गई है इसको पीना, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पीना। आप सब भी पीना, इसके बहुत सारे फायदे रहते हैं, तांबे के बर्तन में पानी पीने के बहुत फायदे रहते हैं, वैसे आप सबको पता होगा, पर मैं भी पीती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सबके साथ आज इसलिए शेयर किया क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। जो भी मैं मतलब करती हूँ, तो आप सबके साथ शेयर करना तो बनता है। तो मैं पी लेती हूँ पानी, फिर बाकी का काम करती हूँ। वैसे ही मैं आज लेट हो गई हूँ क्योंकि आज तो स्कूल के लिए नहीं है, तो अगर स्कूल के लिए होती तो मैं सुबह उठ के बहुत जल्दी, और मेरे को कैमरा ऑन करने का टाइम ही लगता, और मैं सुबह सुबह पी लेती हूँ। आज बहुत लेट हो गई हूँ तो पी लेती हूँ, बाकी का काम करती हूँ, फिर मेरा किचन भी साफ करने का है, फिर कर लूंगी, है ना, फिर उसके बाद मिलूंगी। तो गाइस, मैं क्या ना निचली साइड काम कर रही थी, पानी पुनी भर के रखा पीने वाला, थोड़ा बहुत काम किया, और तशु को मैंने नमक चीनी का घोल वाला पानी पिला के ऊपर भेज दिया था। और तशु देखो यहाँ पे बाहर सोई है। इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो गाइस, जैसे कि आप सबने देख ही लिया होगा कि तशु ऊपर आके क्या है ना, बाहर सो गई है। ये मेरे को कब से ही बुला रही थी, मम्मा आओ आओ आओ, तशु मेरे बिना सोती नहीं है ना। तो मैंने बोला थोड़ी देर थोड़ी देर, क्योंकि मैंने सोचा एक तो हम लेट उठे हैं सुबह, मैंने सोचा क्या ही सोएगी। पर मैं नीचे काम करने लग गई, पानी वगैरह भर के रखा पीने वाला, फ्रेश पानी भर के रखा, थोड़ा झाड़ू वगैरह लगाया निचली साइड, काम वगैरह किया, लिल्ली को खाना वगैरह दिया, सारा काम किया। तो तशु कब से ही बोल रही थी ऊपर आओ ऊपर आओ, मैंने सोचा ऐसे ही बुला रही है, तो तशु को नींद आती क्योंकि तशु मेरे बिना बिल्कुल नहीं सोती है। तो तशु
बाहर सो गई बिना दवाई खा के, क्योंकि उसने एक तो खाना भी नहीं खाया ना कुछ भी, तो मैंने नमक चीनी का घोल वाला पानी पिलाया इसको, और नीचे ही सफाई की है, आपको दिखाती हूँ। मैं भी बैक कमरे से अभी झाड़ू डस्टबिन लाया ही है ऊपर वाली साइड झाड़ू लगाने के लिए, तो देखा था सोई है, मेरे को बहुत गंदा सा फील हो रहा है, कब से बुला रही थी। देखो अभी रूम के कुछ इस तरह के हाल है हर कैसी, और ये मैंने आपको दिखाना था, ये वाली मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है, जो कि मैंने आप सबको बताया था ना कि तशु के डैडी क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो वो क्रिकेट खेलने ही गए होते हैं। देखो टॉर्च ऑन करती हूँ, तो वो क्रिकेट खेलने गए होते हैं, और ये है उनकी मैन ऑफ मैच, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी, और वो आज भी गए हैं, तो उन्होंने अभी बोला कि तशु को दवाइयाँ खिलाई हो है ऊपरली साइड, तो मैं आई हूँ अभी, पहले कमरा साफ कर लेती हूँ। देखो कितना हर कैसे ही है, मतलब रूम साफ करने का, तो कर लेती हूँ साफ सफाई, फिर देखते हैं। तो गाइस मेरी तशु बहुत बीमार है, तो मैं उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि वो कुछ खा पी नहीं रही है, तो ये मैंने चॉप किया है इसमें प्याज लहसुन हरा धनिया, और थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने ये इसमें चॉप किया है, अभी मैं इसको अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी, और साथ में मैं इसको कुछ एक न्यू रेसिपी बनाने वाली हूँ बिना तड़के की वो भी, और जो मतलब इसके लिए ठीक है, मतलब जैसे इसको इसकी तबीयत खराब है तो इसके लिए ठीक रहेगी, तो बना लेती हूँ। इसमें मैंने मूंग दाल लगाई है थोड़ी सी, और ये आटा था थोड़ा, तो ये आटा भी डलेगा इसके अंदर, मैं अभी दिखाऊंगी आपको कैसे, मगर पहले ये दाल थोड़ी पक जाए। और ये मैंने थोड़े से चावल हाफ कप धो के रख दिए हैं, ये सब कुछ मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो गाइस ये मेरी दाल हल्की सी पक चुकी है, अभी इसको और पकना है चावल और आटे के साथ, तो इसमें मैं हल्का सा बटर डालूंगी, हल्का सा बटर डाला है, बटर इसमें अच्छी तरह से घुल चुका है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, क्या डालूंगी मैं इसमें, इसमें डालूंगी चावल, जो ये चावल है ना, ये चावल इसमें डाल दिया मैंने, और अब इनको ये चावल डाल रखे हैं ना इसके अंदर थोड़े से, अब इनको अच्छे से 5 मिनट तक पकने दूंगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब जो है ना जो मैंने आटा रखा था जैसे कि आपको दिखाया, इसके मैं छोटे छोटे इतने छोटे छोटे बिल्कुल छोटे, इससे भी बिल्कुल छोटा ये आटे के डाल दूंगी इसमें, बिल्कुल कम कम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी डालूंगी, क्योंकि ये आटा मैंने लिल्ली को रोटी बनाने के लिए घूम के रखा था, तो थोड़ा मैं ये इसमें डालूंगी, सिड्डू बोलते हैं हमारे इसको भी, तो थोड़े मैं इसके सिड्डू डालूंगी, और थोड़ी मैं दो मैं रोटियाँ बना दूंगी लिल्ली को, लिली दिन को 2 रोटियां खाती है दूध के साथ, बस इतना काफी है। और सबसे लास्ट में मैं ये चॉप किया हुआ जो भी मटेरियल है ये इसमें ऐड कर दूंगी, और ये डाल दिया मैं इसमें, बस अभी ये डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं डालेगा, बस यही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी मैं लो फ्लेम पे, और ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत बार खाया है, इसलिए जो इसकी खुशबू आ रही है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू है। और अब क्या ना ये इसमें ढक्कन टाइट नहीं लाना है, क्योंकि नहीं तो ये जो चावल नीचे लग जाते हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा गाढ़ा सा बन जाएगा और चावल पक के रेडी हो जाएंगे, और ये आटा इसमें अच्छी तरह से पक जाएगा, तो फिर उसके बाद दिखाती हूँ। जितनी देर मेरी ये न्यू रेसिपी रेडी होती है बनकर, उतनी देर लिल्ली के लिए बन रही है गर्म गर्म रोटी, इस रोटी अभी बनकर रेडी हो चुकी है मेरे डॉग लिल्ली के लिए, और ये बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत टेस्टी टेस्टी खाना आज का, मतलब बहुत ही यम्मी होता है, और चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं इसके अंदर। सो गाइस ये मैंने गर्मा गर्म निकाल दिया तशु के लिए, ये देखो मोमोज जैसे इसके अंदर ना, ये मोमोज जैसे लग रहे हैं, और ये बहुत पतली पतली सी खिचड़ी टाइप हो जाती है साथ साथ में, बहुत टेस्टी बनती है मगर, तो अभी मैं शुक्रिया जाती हूँ, देखते हैं शुक्र क्या रिएक्शन रहता है, और थोड़ा सा लिल्ली को भी देती हूँ, क्या पता लिल्ली को भी पसंद आ जाए, तो देखते हैं। तो लिल्ली बैठी है धूप में, देखते हैं लिल्ली क्या कहती है, खाएगी नहीं खाएगी, लिल्ली ले खाना खा, क्यों डर रही है, खा ले खा ले, और जाती हूँ दशु के पास, खा ले बेबी, उठो शोर हो रहा है, मैंने आपको कोको जो लाया। तो गाइस मैं फटाफट आई ना, क्योंकि लिल्ली खा रही थी, लिल्ली को पसंद आया न्यू रेसिपी, वाह लिल्ली ना बिल्कुल नहीं खा रही थी दाल वगैरह कुछ भी, कल भी मतलब दूसरा वाला जो इसका बर्तन है ना उसी में रखा हुआ है, कल मैंने इसको राजमा की दाल चावल दिए तो नहीं खाया, तो जो मैंने ये बनाया ये लिल्ली को भी पसंद आया, देखा आप सबने, नहीं तो दूध दे दे के एक ही चीज़ खा के ये भी परेशान होगी होनी थी। अभी मैं लिल्ली को और लाऊंगी और तशु को देखती हूँ, अब तशु को पसंद आया, लिल्ली को खाना पसंद आया, लिल्ली पसंद आया, लिल्ली लिल्ली बहुत बिजी है तशु बेबी के पास, और जैसे ही मैं तशु के पास आ रही हूँ हवा इतनी तेज हो रही है ना मैंने तशु को ना हवा लगने के लिए यहाँ पे टावल लगा के रखे है,
क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है ना बेड के ऊपर बाहर। तो जी पानी लाऊं? ओके। तो अब टर्न है तशु की, अब तशु का रिएक्शन देखते। मैंने देखो कौन सी वाली स्पून लाई थी तशु के लिए, ताकि तशु इसको भी, इस मोमो को भी इस तरह से खाए। तशु को छोटू सा मोमो। तो गाइज मैंने उसके बाद ना कोई व्लॉग ही नहीं शूट किया, पता क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से जो खाना बनाया था ना तशु के लिए, बिल तशु ने खाया तो बेचारे ने थोड़ा सा खाया, मगर क्या है इसकी फिर से उल्टियाँ होगी। एक तो क्या है ना, कल रात से मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी, जैसे इसकी बार बार उल्टियाँ हो रही थी ना रात को, तो मैं बार बार बाहर ले जाके, तो जैसे उल्टियाँ देख के मेरी खुद की तबीयत खराब थी। तो सुबह से हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, तो मैंने वो इसलिए बनाया क्योंकि जब मेरी तशु मेरे पेट में थी ना, तो मैं वही वाला खाना बहुत खाती थी, जो मैंने आज रेसिपी आप सबके साथ शेयर की वही वाला मैं खाती थी, क्योंकि मेरे को तड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तड़का तो क्या, तड़के की स्मेल भी पसंद नहीं थी, तो मैं वही बना के खाती थी। तो आज मेरे मन में आया कि मैं, मतलब मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का, राजमा चावल थे पर मन नहीं करता खाने का, तो मैंने वो बनाया और बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो मेरे को तो अच्छा लगा। लिली को जैसे आपने देखा, लिली ने भी खाया, मगर तशु ने खाया तो है थोड़ा सा, मगर फिर से उल्टियाँ होगी। और फिर मैंने तशु के डैडी को फ़ोन कर दिया भाई कि नहीं, मेरे घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं, तो आप तशु को दवाइयाँ लाओ, क्योंकि तशु की दवाई थी मगर वो मिली नहीं। तो तशु के डैडी ने दवाई लाई तशु को और तशु ने खाई, और अभी तशु कुछ परसेंट ठीक है। और तशु जिद कर रही थी कि मेरे को जो स्टेशनरी रहती है, जो ज्योमेट्री बॉक्स रहता है, मुझे वो चाहिए। तो गाइस जैसे कि आप सबको मैंने बताया, जब हम सो गए थे, तो सोने से पहले क्या हुआ, तशु को हम लोग क्या है ना, मीशो में कुछ देख रहे थे, तो देखते देखते क्या हुआ, तशु को एक चीज़ पसंद आई, तो मैंने वो ऑर्डर कर दी। तो माई ऑर्डर में जाती हूँ, तो ये मैंने असेंशियल किट स्टेशनरी ऑर्डर की है तशु के लिए, और ये देख सकते हैं कैसी डोरा वाली। हाँ, तशु को डोरा वाली पसंद आई। इसमें क्या है ना, एक मार्कर रहता है और इरेजर रहता है और एक पेंसिल, और इसमें वाइट बोर्ड है जो तशु को पसंद आए, इसलिए मैंने ये वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स है तशु को ऑर्डर किया। और कुछ नहीं, बस बहुत सुंदर है देखने में, तो तशु को पसंद आया। आप सब भी बताना कैसा है। और आज का व्लॉग बस इतना ही, अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।